कम कर लेना मीडिया को थोड़ा प्रोटोकॉल बनाना लाइव चलो ये आ जाओ विशाल ऐसे कहां से मैं कहां के लोग चिल्लाना पड़ेगा ये बोल दीजिए सही सही आज आप लोगों ने कल जो आदिल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उससे रिलेटेड मैं उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहूंगी एक मीडिया ट्रायल कहूंगी और आज हम जो बैठे हैं हम लिमिटेड चीजों पे ही बात करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा हमें आने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमने जो कहना था हमने पुलिस स्टेशन में कहा है मैटर अभी कोर्ट में सब जुडिस है इसलिए हम उस केस से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करेंगे और हम आगे क्या करने वाले कोशिश करेंगे तो आप लोग को आदिल ने जो कल कहा है उससे रिलेटेड आप जो सवाल लगेगा कि बात करनी करेगी ठीक है हमें कोई उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है हम जो भी करेंगे लीगली उसका जवाब देंगे आप लोग को जो सवाल देखिए आप सभी मीडिया कर्मियों का यहाँ पे स्वागत है आप लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगा कि जो आपने कल उन लोगों से सवाल पूछा कि आप तो बेगुनाह हैं फिर भी 6 महीने की जेल काटनी पड़ी आप लोगों को इस तरह के सवाल मीडिया को शोभा नहीं देता आप मीडिया ट्रायल में उसको एक्विटल नहीं कर सकते कैसे कह दिया आपने कि आप बेगुनाह और 6 महीने की जेल काट के आए आप क्या जज हैं क्या ऑनरेबल कोर्ट हैं ऐसे मीडिया कर्मियों पर मुझे शर्म आती है तो जो भी सवाल आप करें मर्यादा के दायरे में रह के करें मैं भी एक बात करना चाह रही थी मैं पूछना चाह रही थी वो रिपोर्टर कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन होते हो एज अ जर्नलिस्ट कहने के लिए आप बिना किसी गलती के 6 महीने जेल में जेल काट हु आर यू टू जज आर यू अ पुलिस आर यू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और यू आर कोर्ट आप कैसे सवाल खड़े या आप पब्लिक के सामने किसी के भी इमेज को क्या डैमेज करना चाहते हो क्या आप राखी सावंत का पर्दाफाश राखी सावंत का खुलासा राखी सावंत के सवालों का जवाब दिया आदिल ने क्या है ये बीइंग अ जर्नलिस्ट आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हो या बोल भी कैसे सकते क्या हो? क्या आदिल दुरानी एक्विट हो गया क्या केस में क्या उसको बेगुनाह कर दिया गया क्या नहीं अभी ही इज ऑन बेल अभी ट्रायल होगी उसके बाद माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो वाकई आरोपी है या नहीं है आप लोग कौन होते हैं ये सब करने वाले जो भी है वो रिपोर्टर मैं उससे अनुरोध करूंगा क्योंकि मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं और मैं मीडिया का एक सदस्य हूं प्लीज इस तरह के सवाल इस तरह की टैगलाइंस इस तरह की हेडलाइंस को अवॉइड करें क्योंकि ये एक डेफेमेटरी चीज है और हो सकता है कि हम उनके खिलाफ डेफेमेशन भी फाइल करें आपको एज अ जर्नलिस्ट क्या पब्लिक इमेज आदिल की क्लियर करने के लिए बुलाया था क्या आप तो बेगुनाह होते हुए भी 6 महीना जेल काट गया आपको कैसे पता वो बेगुनाह है या वो गुनहगार है क्या आप पब्लिक में ये मैसेज देना चाहते हो बीइंग अ जर्नलिस्ट जो भी है आदिल गुनेगार है बेगुनाह है वो कोर्ट डिसाइड करेगी लेट्स वेट फॉर द कोर्ट वर्डिक्ट हम सबके पास पेशेंस रखना होगा हमको जो कोर्ट माननीय न्यायालय का फैसला होगा हमें पूरी तरह से उस पर भरोसा है चलिए अब आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं राखी जी आपसे सवाल है क्या आदिल ने जो आरोप आप पर लगाया है कि किसी धर्म को आपने नहीं छोड़ा है ऐसा बड़ा आरोप क्यों लगाया है पीएम से गुहार कर रहे हैं क्या कहेंगे आप आदिल के तमाम आरोपों पर पहले तो क्या आप आरोप तमाम बताएं मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई मेरी माँ जया सावंत मेरे डैडी आनंद सावंत फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है लेकिन माँ के साथ पूरा घराना जुड़ा रहता है जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं मैं नमाज पढूं पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं कबूले कबूले के साथ साथ ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं तो क्या मैं नमाज ना पढूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया वो मुझे कहते हिंदू थी ये हिंदू है क्रिश्चियन है मुसलमान है ये मैंने आपको बताया
मैं शॉक हूँ। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था, यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूँ, किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे? छह महीने अंदर रहे। क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसी 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी, शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत, कॉन्ट्रोवर्शियल गर्ल, कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था इसका तो घर कभी नहीं बसेगा, अभी तो शादी भी नहीं हुई पहले लिख के आ जाता है, इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी, पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सकम चांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था, शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी शैली, आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी, मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो उन्होंने कहा, राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था, तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं, आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये? तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ, मैं कार लेने चली गई। लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूधपीती बच्ची नहीं हूँ, मैं दूधपीती बच्ची नहीं हूँ, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते, मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना, उसने दो एक रूम मेरा इधर बुक किया, एक रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। मैंने भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खेसजी और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूँ, मैं कैसे बाहर जाके बोलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा क्या होगा? मैंने बोला, मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया, उर्फी रो रो के, उर्फी मैं क्या करूं, उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहां से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और
दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया, मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया, मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया, वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए, वो वहाँ बाय कार पहुँचा, शैली भी पहुँची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी, मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो दो मौलाना को लेकर आया, होटल कौन से थे वो मैं आपको बता दूंगी, कौन से होटल में मैं रुकी थी, सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, एक साल पुराना। दो मौलानों को लेकर आया, मैंने बोला अगर आप, आपने बोला है मुझे वहाँ पे शादी करेंगे ये वो, निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, मैं पुलिस, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए, मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना, अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे जब हम दोनों राजी हैं? तो वो बोलते कि आदिल खानदुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मेरा, मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने, कहीं एक छोटे से मैं टेलीविजन पर नहीं छपी हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। और बाद में मुझे बोलते हैं गड़े-गड़े स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कराई थी जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो मुंबई आया था शेरा भाई से, सब सब साथ में टेबल पे बैठे, शैली सब एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारोबार चाहिए तो बताना, भाई ने बोला ठीक है कोई भी कारोबार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है, क्योंकि वो गवाह ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी के बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं कहती हूँ, मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ मौलाना जी, गोवा वाले दो मौलाना जी प्लीज़ आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा। और आप आके कहिए कि आपने, आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर दो दो गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये मौलाना असली थे कि नकली, ये बात मालूम है, ये नहीं मालूम। नकली मौलाना भी हो सकते हैं, बिना गवाह की शादी नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था मौलाना, तो फिर हाँ वो नहीं पता है, क्योंकि नकली मौलाना असली, एक दाढ़ी के बगैर था एक दाढ़ी वाला था। कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं मौलाना कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा तो ये पता नहीं एक दो घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, मुझे नहीं मालूम है। और बाद में इसने बोला कि अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ, इन्होंने मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि
कि तुम मुझे मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, शोहर का साथ नहीं दोगी तो जन्नम में जाओगी। तुमने इस्लाम कबूल किया है? मैंने कहा ठीक है, मैं मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए। आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं कुछ नहीं, मैं क्या करूं, एक रुपया लेकर नहीं आया फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी, एक रुपया लेकर नहीं आया। एंड फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इन्होंने इनकी इनकी एक आंटी रहती है यूके में, के इन्होंने शादी किया ये किया, बोलते नहीं 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 हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिजनेस में, मुझे बिजनेस के लिए पैसा दो, नहीं दे सकता। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं तो एक काम करो, ठीक है एक काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोला आप मुसलमान हो, अगर मेरे एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं, वो लोग वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ फिर हमारा पैसा, कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब देगा। राखी सबसे